हेलो वेलकम गाइज, फ्री सर्किट लैब की न्यू वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि इस वाली एलईडी बल्ब के अंदर क्या सर्किटरी है, किस तरह से ये सर्किट काम करता है, इस सर्किट के अंदर क्या कुछ आईसी वगैरह है, कौन सी कंपोनेंट का काम क्या है, वो सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें पूरा सर्किट डायग्राम बना के इस वाली एलईडी बल्ब का पूरा वर्किंग डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने पूरा इस वीडियो को देख लिया और समझ गया तो इस बल्ब को रिपेयर तो छोड़ो, आप खुद से बना भी पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, बीच में कोई स्किप मत करिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो में चलते हैं। तो इस सर्किट के अंदर पहले ही हम देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो पहले यहाँ पे जो 220 वोल्ट इन हो रहा है एसी लाइन में, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। ये हर एक चार्जर वगैरह कुछ भी सर्किटरी में ये फ्यूज होता है ताकि इस साइड में कोई भी अगर शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज उड़ जाएगा और ये इस सर्किट को बचा लेगा। तो ये फ्यूज की तरह काम करता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक ब्रिज रेक्टिफायर जो कि इस वाली एसी लाइन को डीसी करके इस फिल्टर कैपेसिटर में स्टोर करती है। तो यहाँ पर 220 वोल्ट एसी गया और डीसी होके वो फिल्टर कैपेसिटर में 311 वोल्ट स्टोर होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि 12 वोल्ट से अगर हम डीसी करते हैं तो 17 वोल्ट बन जाती है, यानी ये 1.41 गुना ज़्यादा हो जाता है। वो रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डीसी का वैल्यू पता चलेगा, क्योंकि एसी में जो हम वोल्टेज नापते हैं वो आरएमएस वैल्यू होता है और डीसी में जो वोल्टेज बनती है इस कैपेसिटर में ब्रिज रेक्टिफायर के बाद वो होता है पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज से रूट टू गुना ज़्यादा होता है, यानी 1.41 गुना। तो यहाँ पर 311 वोल्ट इस कैपेसिटर में स्टोर हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉयल मिलता है और एक कैपेसिटर और बाकी कुछ एडिशनल कैपेसिटर, और इस साइड में हमें कुछ स्विचिंग सर्किट दिखाई देता है। और इसके बाद यहाँ पर एक एलईडी हमें देखने को मिलता है। तो इस एलईडी का वोल्टेज कितना है? ये एलईडी एक्चुअली यहाँ पर 9 एलईडी है, हर एक एलईडी का वोल्टेज है 8.2 वोल्ट करके। ओके, तो 8.2 वोल्ट का 9 एलईडी मतलब टोटल हुआ है 74 वोल्ट। ओके, तो 311 वोल्ट से 74 वोल्ट बन रहा है। तो ये अगर नॉर्मल रेजिस्टर से बनाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि रेजिस्टर के अंदर बहुत वोल्टेज ड्रॉप होगी तो रेजिस्टर हीट होगा। तो यहाँ पे हमारा इनपुट में 40 वाट जैसा पावर घुसेगा और आउटपुट में निकलेगा 9 वाट। तो इसीलिए हमें स्विचिंग सर्किट यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि स्विचिंग सर्किट में एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है। इनपुट में भी 9 वाट जाएगा, आउटपुट में भी 9 वाट आएगा। तो इनपुट में बेसिकली करंट कम जाता है, वोल्टेज ज़्यादा जाता है, और आउटपुट में वोल्टेज कम करंट ज़्यादा आती है। यही स्विचिंग सर्किट का खासियत है। तो ये वाले स्विचिंग सर्किट को आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर का कंपोनेंट किस तरह का है, कैसे ये काम करता है। तो इस वाले सर्किट को देखने के लिए हमें इसकी डायग्राम बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत इतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आईसी का नंबर है इसको पता करके हम ऑनलाइन पे ढूंढेंगे तो इस आईसी का एग्जांपल सर्किट हमें मिल जाएगा और उस सर्किट से ये बिल्कुल सेम सर्किट यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर हो सकता है लेकिन सर्किट सेम होगा। तो आइए गूगल पर सर्च कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक एड ब्रेक ले लेंगे। और दोस्तों गूगल पर सर्च करने के बाद मुझे ये वाला पीडीएफ मिला, तो ये है आईसी का पार्ट नंबर BP2335J। इसको सर्च करेंगे तो ये वाला पीडीएफ आपको डेटा शीट के फॉर्म में मिलेगा। इसके अंदर इस आईसी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कि ये है एक हाई प्रिसीशन नॉन आइसोलेटेड बग ड्राइवर। तो इसमें नॉन आइसोलेटेड बग मतलब क्या है? नॉन आइसोलेटेड मतलब है यहाँ पर कुछ ट्रांसफार्मर नहीं है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों आइसोलेटेड नहीं है। इनपुट का जो ग्राउंड है वही आउटपुट में मिलता है, यानी आउटपुट में आप हाथ देंगे तो शॉक लगेगा, यही इसकी मीनिंग है। और बग का मीनिंग क्या है? बग और बूस्ट दोनों कन्वर्टर होता है डीसी में, जैसे कि ट्रांसफार्मर से हम एसी वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन, इस तरह से डीसी वोल्टेज का स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए बूस्ट कन्वर्टर और बग कन्वर्टर को यूज किया जाता है। तो बूस्ट कन्वर्टर है स्टेप अप, यानी अगर आप 3 वोल्ट से 12 वोल्ट बनाना चाहते हैं तो वो बूस्ट कन्वर्टर का काम है, अगर आप 10 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाना चाहते हैं तो वो बग कन्वर्टर का काम है, यानी बग मतलब है स्टेप डाउन कन्वर्टर। तो ये हमारा इस सर्किट में 311 वोल्ट से 74 वोल्ट बन रहा है, तो इसलिए ये बग कन्वर्टर यहाँ पे लगाया गया है। बग कन्वर्टर के बारे में एक और वीडियो आएगा बाद में, बग और बूस्ट के बारे में। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि कैसे बग कन्वर्टर काम करती है और इस सर्किट कैसे काम करती है। तो इस आईसी के बारे में कुछ फीचर्स यहाँ पर दिया गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एप्लीकेशन के नाम पे दिया गया है यहाँ पे, एलईडी रेट्रोफिट लैंप्स बल्ब स्पॉटलाइट कि कहाँ कहाँ पे ये वाला आईसी यूज होता है,
इसका जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसके बाद आपको मिल रहा है टाइपिकल एप्लीकेशन सर्किट, जो कि ये एक एग्जांपल सर्किट है। इस सर्किट को यूज करके हमारा जो यहाँ पे वैल्यू वगैरह लगा कर कैलकुलेट कर करके हम दूसरा कोई बल्ब भी बना सकते हैं। तो ये वाला सर्किट एग्जैक्टली सेम है उस वाली सर्किट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर वैल्यू वगैरह लिखा नहीं है। उसके बाद इस आईसी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर पिन नंबर यानी कौन सी पिन क्या है और पिन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। ओके, और इसके बाद आपको थोड़ा सा मिल रहा है क्या आईसी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, कुछ पैरामीटर्स जैसे कि वोल्टेज रेंज हो गया, आईसी का करंट कंजम्पशन, वाट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद ऐसे आप बहुत सारा डाटा इस पीडीएफ से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इस आईसी का जो इंटरनल डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शनलिटी है, कौन सा फंक्शनलिटी कौन सी पिन के साथ कनेक्टेड है, वो इसकी इंटरनल डायग्राम होता है। जैसे इसके बाद आपको मिल रहा है आईसी का कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि स्टार्टअप, कॉन्स्टेंट करंट कंट्रोल, जैसे कि आईसी का जो ऑपरेटिंग कंडीशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आप आईसी को अगर यूज करके कुछ और सर्किट बनाना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट्स आपके काम में आएंगे। तो ये वाला पीडीएफ को आप पढ़ के आईसी का पूरा इन्फॉर्मेशन को आप पता कर सकते हैं कि आईसी का बिहेवियर कैसा है। और उसके बाद आपको मिल रहा है आईसी का डायमेंशंस, जैसे कि आप कोई पीसीबी बना रहे हैं तो आपको ये डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी कि इसकी पिन के अंदर स्पेसिंग कितना है, इस आईसी का साइज कितना है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर इस चार्ट में इसकी पूरा साइज डायमेंशन वगैरह दिया गया है। तो यही है इस पीडीएफ में, इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर दूंगा और वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐसे कोई भी आईसी अगर आपको पता करना है तो उसका डाटा शीट नाम का सर्च कीजिए, तो उसके अंदर इतना सारा डाटा आपको मिल जाएगा उस आईसी के बारे में। तो आइए पहले बक कन्वर्टर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, बक कन्वर्टर कैसे वोल्टेज स्टेप अप डाउन करते हैं। बक कन्वर्टर देख लेने के बाद इस वाले सर्किट को आज हम डिस्कस करेंगे, तो ही आपको पूरा का पूरा सर्किट का वर्किंग पता चलेगा। तो आइए पहले एक सिंपल बक कन्वर्टर को देख लेते हैं, वो कैसे वोल्टेज को अप से डाउन करता है डीसी वोल्टेज को, और एक एड ब्रेक के बाद एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मार्केट में कुछ लो वोल्टेज बक कन्वर्टर का सर्किट भी अवेलेबल है और ये है इसकी एक्चुअल सर्किट, लेकिन हम समझने के लिए एक सिंपल सर्किट लेते हैं। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, देखिए एक बैटरी, एक स्विच, एक इंडक्टर यानी कॉयल, एक कैपेसिटर, एक लोड और एक डायोड। इस सर्किट की दो स्टेट है, ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ। तो ये स्विच ऑन ऑफ हो के ये सर्किट में इनपुट से आउटपुट में वोल्टेज को कन्वर्ट करती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। तो ये समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि एक इंडक्टर कैसे काम करती है। ये एक नॉर्मल इंडक्टर है, अगर इसको आप एक बैटरी देके चार्ज करेंगे तो इसके अंदर अचानक करंट नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे करंट बढ़ेगी और ये चार्ज होता रहेगा और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती रहेगी। और अगर आप इस बैटरी को हटा देंगे बाद में तो उसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप हुआ था वो कोलैप्स होने लगेगी और इसके अंदर एक वोल्टेज जनरेट होगी जो कि उल्टा पोलैरिटी में होगी यानी प्लस माइनस बदल जाएगी, और उसकी जो एनर्जी था वो पूरा एनर्जी को पंप करेगा सर्किट में। तो आइए देखते हैं इस सर्किट में ये काम कैसे हो रहा है। इस सर्किट में जब स्विच पहली बार ऑन हुआ तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो ये चार्ज हो रहा है, और साथ में एलईडी भी ड्राइव हो रहा है उसी वोल्टेज से। तो यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों साथ में चार्ज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्सट्रीम वोल्टेज नहीं बनेगी कि एलईडी फ्यूज हो जाए। और यहाँ पर जो डायोड है ये रिवर्स बायस में रहेगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और जब ये ऑफ हो जाएगा स्विच तब ये इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में जो एनर्जी स्टोर था वो एनर्जी इस सर्किट में कंटिन्यू होगी, जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाएगी प्लस माइनस, तो इसीलिए डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगी। तो इंडक्टर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी था वो भी एलईडी को ड्राइव करेगा, और कैपेसिटर के अंदर जो भी स्टोर्ड एनर्जी था वो भी एलईडी को ड्राइव करेगा। तो वोल्टेज धीरे धीरे घटेगी, इतना भी नहीं घटेगी कि एलईडी ऑफ हो जाए। तो जब स्विच ऑन ऑफ होगा तो इंडक्टर और कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। तो जब चार्जिंग हो रहा है तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और डिस्चार्जिंग के टाइम वोल्टेज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये एक सर्टेन वोल्टेज के अंदर अप डाउन होता रहेगा, और एलईडी की ब्राइटनेस भी अप डाउन होगी, लेकिन हम आँखों में देख के समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में बहुत ही फास्ट होता है। तो ऐसे हमारा एलईडी का जो सर्किट है उसके अंदर ये स्विच के जगह एक मॉस्फेट रहता है आईसी के अंदर, और ड्राइविंग सर्किट भी आईसी के अंदर होता है। तो ऐसे ही ये एलईडी ड्राइव होता है 300 वोल्ट से। इस पॉइंट पर लास्ट एड ब्रेक ले लेता हूँ। दोस्तों आप ये डायग्राम और ये दोनों फोटो को देख के पता कर पाएंगे कौन सी कंपोनेंट कहाँ लगा है, और इन तीनों का एचडी फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। कौन सी कंपोनेंट का वैल्यू क्या है वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो मैं फेसबुक पेज पे अपलोड करूँगा, तो पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर पेज को लाइक करके उस पोस्ट को आप देख पाएंगे।
आइए इस सर्किट को देखते हैं। यहाँ पे सर्किट में जो आईसी का पिन डायग्राम है ये ठीक ऑर्डर में नहीं है। पिन में यहाँ पे 1 स्टार्ट होती है, फिर 2, 3, 4, ये 5, 6, 7 और 8। इस डायग्राम में ड्रॉ करने की सुविधा के लिए पिन की लोकेशन को चेंज किया गया है। मैंने पिछले एक्सप्लेनेशन में जो स्विच बताया वो यहाँ पे 5-6 नंबर की ड्रेन पिन और 7-8 नंबर की CS यानी करंट सेंस पिन के बीच में है। 3 नंबर पिन है आईसी का VCC पिन, यानी इस पिन का जो कैपेसिटर है वहाँ से आईसी को पावर मिलती है ऑपरेट करने के लिए। 1 नंबर पे है कॉम्पेंसेशन पिन, जो कि इस आईसी का पूरा फंक्शन को स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाना होता है ग्राउंड और कॉम्पेंसेशन पिन के बीच में। और CS मतलब है करंट सेंसर पिन, 8 और 7 नंबर का पिन है करंट सेंसर पिन। हम सभी को पता है कि LED में अगर करंट ज़्यादा हो गया तो LED फॉल्ट हो सकता है, तो इसलिए करंट को सेंस किया जाता है इस IC का इन दोनों पिन के जरिए। फिर उस करंट को 120 मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होने दिया जाता है। अगर ज़्यादा होना चाहता है तो यहाँ पे वोल्टेज को डाउन कर दिया जाता है ताकि करंट कम जाए। और 4 नंबर की जो पिन है ये फीडबैक पिन यानी FB। फीडबैक मतलब है जो आउटपुट का वोल्टेज को सेंस करके इनपुट का सर्किट को ऐसे एडजस्ट करना ताकि इनपुट वोल्टेज अगर 311 वोल्ट से कम भी है तो भी आउटपुट में हमारा 74 वोल्ट आए, ये मेंटेन करता है फीडबैक पिन के जरिए। तो इसीलिए हमारा जो LED बल्ब है वो लो वोल्टेज पर भी काम करता है। तो ये था इस LED बल्ब के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। अगर इस तरह का वीडियोज आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन।